अहाँके आगामी योजनामे एहन कोनो योजना अछि जाहिमे कि दिल्लीके सभ संस्थाके एक सूत्रसँ बान्हल जाय? एहन प्रयासमे छी लेकिन एखन तक उपलब्धि नहि भेटल। इच्छा रहैए कि जे सभ जुड़ा, इच्छा अछि लेकिन एखन तक उपलब्धि नहि भेटल। अहाँके अपना व्यक्तिगत विचार एहन कहियो बनल जे सभ संस्था एक भऽ जाय? हमर क्षेत्रमे मैथिलके संस्था भऽ गेल छै लेकिन सभ अलग अलग छै, अलग अलग अपन अपन काज करै छै, लेकिन यूनाइटेड होबऽके लेल अगर अहाँके एकटा कोनो जिम्मेवारी देल जाय जे अहाँ यूनाइटेड हो तक कि अहाँ अपन सहभागिता देबै? बिल्कुल बिल्कुल, हम तऽ एकटा चीज इएह कहबै, आइ NCR के अंदर दिल्ली NCR मे फरीदाबाद, बदरपुर, जयपुर, नोएडा, बहुत जगह भऽ रहल छै। हम तऽ इएह चाहब कि सब एकत्रित भऽ कऽ अगर पूरा पूर्वाञ्चली मिथिलावासी जतेक छथि सब अगर इकट्ठा भऽ जायत, एक साथ मे एकत्रित भऽ कऽ चलत तऽ बहुत बढ़िआँ। टीवी के माध्यम सँ दिल्ली के तमाम संस्था व्यवहार के संस्था जे बनाकर चलबै छथि हुनका सबके एक सूत्र में बांधऽ के लेल अपने की संदेश देबऽ चाहै छी? प्रणाम में प्रबुद्ध आ प्रथम पूज्या अभिलारथी मर्मज्ञ भूपति मिथि जनक शिव सिंहक वंश के अभ्यर्थी अपने तमाम अबाल वृद्धि के मिथिला टीवी में हार्दिक अभिनंदन अछि। अपने सब देख रहल छी यूट्यूब पर मिथिला टीवी जे सतत मिथिला सँ संबंधित संस्कार, संस्कृत आ संस्कृति के संग संग राग अनुराग, गीत संगीत, नृत्य नाटक, फिल्म, कला, पेंटिंग आदि अपने तक देश विदेश सँ संग्रह कय सरस, सरल आ सुगम्य भाषा में अहरनिश प्रस्तुत कऽ रहल अछि। तब अछि जे आजुक ग्लोबल युग केर डिजिटल जीवन धारा ब्रह्मपुत्र आ कोशिक तीव्र धारा के छू रहल अछि, ताहि प्रवाह मे मैथिल कहीं बहि नहीं जायथि वा भय सँ कुंटा नहीं धय लैथि, तैं मिथिला टीवी समस्त मैथिल के समसामयिक डिजिटल मैथिल बनेबाक लेल एक यथासंभव प्रयास कर रहल अछि। अपनहु के परम कर्तव्य बनैत अछि जे मिथिला टीवी के तत्क्षण सब्सक्राइब कय मिथिला टीवी के अधिक से अधिक ऊर्जावान बनाबी। निसंदेह संपादक तखने अपने के अनमोल वचन आ उपमेशन सुंदरता अपने के HD स्क्रीन पर दिखा सकता। धन्यवाद जे अपने मिथिला टीवी के सब्सक्राइब केलौं। उल्लेखनीय अछि जे 23 दिसंबर 2018क रवि दिन अखिल भारतीय मिथिला संघक 51वां वर्षगांठ मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह के रूप में दिल्लीक लीलाट स्थित मावलंकर सभागार में हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न भेल, जतय मिथिला के मूर्धन्य कलाकार अपन अपन कला आ अदा सँ उपस्थित श्रोता एवं दर्शक गण के मंत्र मुग्ध कऽ देलथि। एहि कार्यक्रम के शीर्षक संभवतः गाम नहीं बिसरू, गाम नहीं बिसरू, गाम नहीं बिसरू उचित रहत, कारण अखिल भारतीय मिथिला संघ अपन 50 वर्ष में गाम के मजबूत कर लेलथि। जेना दिल्ली में वोटर कार्ड में नाम दियाबा लेल सफलता भेटल, दरभंगा हवाई अड्डा सुचारू रूप से चलऽ लागल, राम जानकी के धुरखुट मिलन भेल, मैथिल के भाषा
मैथिली के अष्टम सूची में नाम दर्ज कर लेल गेल। मुदा सवाल अनवरत रह गेल जे दिल्ली में की भेल, दिल्ली में की भेल। आओ आब अपने सबके लय चले छी मावलंकर सभागार।
परिपूर्ण कर सुने परी।
धन्यवाद जे अपने लोकन मिथिला टीवी के लगातार देख रहल छी। आओ आओ अपने लोकन के मिथिलाक किछु शीर्ष अदाकारा आ उद्यमान गायक सँ रूबरू करबैत छी जे एक परिचयक मोहताज नहि छथि तऽ दोसर उभरैत चेहरा छथि। मैडम अपने मैथिली बजै छियै और अपने नृत्य जे देखलियै से कुचिपुरम देखलियै कुचिपुड़ी ई विधा अपने के विरासत में भेटल या कतौ से सिखलियै? विरासत में तो हमरा किछु नहि भेटल, हमरा बहुत शौक रहै लेकिन बहुत परिश्रम केने छी, बहुत सिखने छी, लेकिन ई प्रयोग हमर अपन अछि जे कुचिपुड़ी स्टाइल में और विद्यापति जी के रचना के प्रस्तुत करी जे कम से कम अपन लोग बुझ सकै और हमरा पुनः विद्यापति जी के रचना से बहुत लगाव अछि। अपने कतेक वर्ष से ई नृत्य सेवा दर्शक लेल कऽ रहल छी? हम तो बहुत बचपने से हमरा शौक छलै तो हम तो लागल छलहुँ हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं भऽ रहल छलै बचपन में, किया तो पढ़ाई लिखाई सेहो चल रहल छलै, संगे हमर संगीत के सेहो शिक्षा चल रहल छल, तो हम बुझू जे बस जीवन पर्यंत लागल छी एही में और आगो जाबत तक जीवन नहीं लागले रहत। जहन अपने विवाहित जीवन में एलिए तहन अपने के कतौ बाधा बुझायल जे एहि विधा में आगा बढ़ो में बाधा बनि रहल? नहीं, हमरा सौभाग्य से नहीं भेटल। हमर जेहन पति छथि डॉक्टर प्रकाश जोशी, बहुत हुनकर सहयोग रहै छनि और हुनके चलते हमरा और मतलब सुविधा होइए, जाहिके चलते हमरा बहुत प्रेरित करै छथि जे करबाक चाही, उत्साहित करै छथि। आई जे नव दूर के लोग जे कोनो नृत्य सीख चाहते तो ओकरा अपने की संदेश देव चाहे छे जे ओकर कैरियर एमे कते दूर तक सफल हो सके छे? शास्त्रीय संगीत में कैरियर सफल करबा के लेल बहुत धैर्य के जरूरत छे, किया तो आजकल जना देखे छी जे बॉलीवुड और ओहि तरह के जे कल्चर बहुत बेसी हावी भ रहल छै, तो ओहि में तो लोग के होइ छै जे जल्दी बहुत फेम भेट गेल चाहे पैसा भेट गेल, एहि में ओहि तरह से नहीं छै, एहिमे बहुत साधना करय पड़ै छै। नृत्यों में देखने हेबै छै कि गोल निकालो के लेल कतेक परिश्रम करय पड़ै छै, तऽ धीरज रखबा के चाही, शौक अगर भीतर रहत अहाँके और सही में लगन है, प्रेम है, मंजिल जरूर भेटत। हमर यह
सबक लेल संदेश जाहिमे धैर्य राखि कऽ समझौता नहि करी, मेहनत करैत रहबाक चाही। अपने आई के अलावा और अपने के जीविकोपार्जन के कोनो और माध्यम ये एकर के प्रोफेशनल बनेने छी? अब जीविकोपार्जन तो ठीक छै, हम बहुत पहिले टीचिंग करै छलहुँ हैं, लेक्चरर छलहुँ हैं म्यूजिक के, लेकिन बाद में हमरा मंच प्रस्तुतिकरण के लॉकअप काफी व्यस्तता भऽ गेल और फिर हमर पति हमरा कहलनि जे मतलब अहाँ अपन चीज के बढ़िया जका करू, तो ओहि के लेल हमरा काफी स्वतंत्रता अछि, हम करै छी। अपने जे कार्यक्रम करै छी से मैथिले के मंच के माध्यम मंच पर या आनो कोनो कमेटी के मंच पर करै छी? बिहार सरकार के कार्यक्रम सब अहाँके कला संस्कृति विभाग के प्रोग्राम है, पर्यटन के प्रोग्राम है, राजकीय महोत्सव है, वही सब में हम काफी मतलब अपन हिस्सेदारी रखे छी। आओ कार्यक्रम सब हमर जेना गायन सेहो हम करै छी, शास्त्रीय गायन एहिठाम इंडिया हैबिटेट सेंटर छै, एपी सेंटर छै, लोक कला मंच छै, ताहि सबपर हम हर तरहसँ मने काफी सक्रिय छी। लेकिन ई हम अवश्य कहब जे मैथिली मंच या मिथिलाके मंच हमरा बच्चासब बहुत प्रोत्साहित कयलक और शुरुआत हम मिथिला मंचसँ और खास